बॉलीवुड में अगर क्वीन का टाइटल किसी को मिला है तो वो है कंगना रनौत। अपने धाकड़ और बोल्ड एटीट्यूड से कंगना ने इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई है। कंगना एक ऐसी हीरोइन है जिसे फिल्मों को हिट करने के लिए किसी एक्टर की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कभी किसी खान के साथ काम नहीं किया, लेकिन तब भी इनकी गिनती टॉप हीरोइंस में होती है। बॉलीवुड में कंगना एक ऐसी हीरोइन बनकर उभरी है जो बिना हीरो के 100 करोड़ की फिल्में देती है। 2006 में आई अपनी पहली फिल्म गैंगस्टर मिलने के बाद उनके करियर को एक नई दिशा मिली। गैंगस्टर में सिमरन के किरदार के लिए कंगना ने बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। 2008 में आई मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन में उनके रोल ने बहुत सुर्खियां बटोरी। फिल्म में कंगना ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। इसके बाद कंगना रनौत ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। 2011 में आई तनु वेड्स मनु से तो जैसे कंगना एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गई थी। तनु का किरदार लोगों के दिल में घर कर गया था। और फिर आई वो फिल्म जिसने रातों रात कंगना रनौत को सुपरस्टार बना दिया। वो फिल्म थी क्वीन। क्वीन में रानी मेहरा के किरदार से कंगना ने सबका दिल जीत लिया। उनके इस किरदार से कई लड़कियों को प्रेरणा भी मिली। इस फिल्म के लिए उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी जीता। इस फिल्म में तो कंगना ने वाकई साबित कर दिया था कि वो बॉलीवुड की क्वीन है। फिर साल 2015 में आई तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया। इस फिल्म के लिए एक बार फिर उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता। कॉफी विद करण शो पर जाकर नेपोटिज्म की कड़वी सच्चाई का करण जोहर को एहसास कराने का दम तो सिर्फ कंगना रनौत ही रखती है। इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर न होने के बावजूद कंगना ने अपना नाम टॉप एक्ट्रेसेस में दर्ज करा लिया है। एक स्मॉल टाउन और मिडिल क्लास बैकग्राउंड होने के बावजूद अपने एक्टिंग के दम पर उन्होंने लाखों का दिल जीता है। कंगना ने वो कर दिखाया है जो शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। लोकप्रिय न्यूज की तरफ से कंगना रनौत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।